बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हे गाइस, आई एम इरफान हलीम, योर मैथ्स टीचर फ्रॉम पीएमएस बॉयज 6। दिस इज़ लेक्चर नंबर 6, पार्ट 2 फॉर क्लास 10, इन विच वी आर गोइंग टू शो यू द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ एक्सरसाइज 1.3। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव सॉल्व द फर्स्ट 6 पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.3 एंड द 6th, 7th, and 8th पार्ट आर योर होमवर्क्स, वो आप लोगों ने खुद करने हैं। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द 9th पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.3 एंड 10 अगेन इज़ योर होमवर्क बिकॉज 9 and 10 दे आर सेम क्वेश्चंस। 9 और 10 पार्ट जो है बिल्कुल सेम है, तो इसीलिए 10 पार्ट आप लोग खुद करेंगे, 9 पार्ट मैं आप लोग को यहाँ पर करा रहा हूँ। तो हमारे पास 9 पार्ट है। सॉल्यूशन में हमने पहले क्वेश्चन तो रिपीट करना है, तो वही क्वेश्चन जो दिया है वो हमने यहाँ पर रिपीट किया है। अब क्या इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट इक्वेशन को हम इसको इक्वेशन 1 नेम दे देते हैं। क्या किया है हमने कि ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और ये दूसरा टर्म जो था इसके साथ प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, ये हमने इक्वेशन के दूसरे साइड पर शिफ्ट किया है, तो इसका साइन यहाँ पर प्लस था, ये माइनस में आ गया। ठीक है, अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 अंडर द रूट इक्वल 5 अपनी जगह पर आ गया है, और ये इधर इक्वेशन से ये देखें इधर राइट साइड पर आ गया है हमारे पास, तो इधर इसका साइन माइनस बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस प्लस 9 अंडर द रूट। अच्छा, अब हमने क्या करना है, उसी तरह से टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, इसका हमने स्क्वायर लिया है तो ये आ जाएगा और इसका भी होल स्क्वायर, तो 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 अंडर द रूट होल स्क्वायर आ गया है। अब हमारे पास ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हम देख लें ये हमारे पास a टर्म है, ये b टर्म है, तो ये a माइनस b होल स्क्वायर आ गया है। ठीक है, तो a माइनस b होल स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के इक्वल होता है। अब यहाँ पर ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 रह जाएगा, और इधर हमारे पास a स्क्वायर यहाँ पर b की जगह पर आ जाए तो b का स्क्वायर और फिर माइनस 2 फार्मूले वाले ए की जगह पर 5 और बी की जगह पर ये टर्म आ जाए हमारे पास। ये देखें हमारे पास ये तो इसी तरह अपनी जगह पर आ जाएगा, ए की जगह पर 5 स्क्वायर आ जाएगा, बी की जगह पर ये आ जाएगा, माइनस 2 फार्मूले वाले ए की जगह पर 5 आ जाएगा और बी की जगह पर हमारे पास ये वाला टर्म आ गया, ये ठीक है, ये सारा टर्म। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो ये तो अपनी जगह पर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए तो ये एक स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करें, 2 माइनस अपनी जगह पर 2 5 10 अंडर रूट ये एक स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 अपनी जगह पर आ गए। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास एक स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 अपनी जगह पर आ गए, इसको थोड़ा सा हमने डिसेंडिंग फॉर्म में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, तो एक स्क्वायर प्लस 2x और ये प्लस 25 और प्लस 9, तो ये हमारे पास 34 और माइनस 10 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 अपनी जगह पर आ गए। अच्छा, अब हमारे पास क्या किया है हमने, ये सारे हमने इस लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करने हैं, एक साइड पर हमने इसको शिफ्ट करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 34 दूसरे साइड पर शिफ्ट होके तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो हमारे पास ये आ गए, ये आप लोग देख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर वो दूसरे इक्वेशन से दूसरे साइड पर जो हमने शिफ्ट किया है, तो यहाँ पर फिर 2x अपने लेफ्ट साइड पर अपना था, ये माइनस 2x आ गए दूसरे साइड पर हमने जो शिफ्ट किया है, प्लस 4 अपना था इधर लेफ्ट साइड पर और 34 हमने राइट साइड से शिफ्ट किया तो ये माइनस 34 बन गया है, और इधर हमारे पास रह गया है माइनस 10 अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 रह गए। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, प्लस 2x माइनस 2 के साथ कैंसिल हो गए, और प्लस 4 माइनस 34 था तो ये माइनस 30 आ गया, साइन ऑफ ग्रेटर टर्म लग गया। ठीक है, और यहाँ पर ये माइनस 10 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 अपनी जगह पर आ गया। अब हमने क्या करना है, माइनस 10 को दोनों साइड पर डिवाइड किया है, तो हमारे पास यहाँ पर ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गए, 10 1 10, तो 1 तो हम नीचे लिखते नहीं है, 10 3 30 और ये माइनस 10 और माइनस 10 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर हमारे पास रह गए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 रह गए और यहाँ पर 3 रह गए। अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो इधर इसका भी हम स्क्वायर ले लेंगे और इसका भी
हमने स्क्वायर लिया है, 3 का स्क्वायर 9 आता है, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 आ जाएगा। ये 9 हम दूसरे साइड पर शिफ्ट करेंगे तो प्लस 9 है, माइनस 9 आ गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपनी जगह पर, प्लस 9 अपनी जगह पर, और ये माइनस 9 इधर आके ये 9 इधर आके माइनस 9 बन गया, और इधर से हमारे पास 0 रह गया, 0 अपनी जगह पर अब आ गया, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर प्लस 2x अपनी जगह पर, और 9 और माइनस 9 कैंसिल हो गए, प्लस 9 माइनस 9, तो हमारे पास सिर्फ ये रह गए, 0 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x रह गए। अब हमारे पास इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मैंने एक पूरा इक्वेशन रोटेट किया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x को मैं इधर लेफ्ट साइड पर ला के लिखा हूँ, और राइट साइड पर हमारे पास 0 आ गया। अब इन दोनों में हमारे पास 0x कामन है, तो x मैंने कामन लिया, तो यहाँ पर हमारे पास x प्लस 2 रह गए इक्वल 0, इधर वन शुड बी इक्वल टू 0, x इक्वल 0 और दूसरा x प्लस 2 भी इक्वल टू 0, दोनों 0 के इक्वल हैं, तो अब इसमें ये तो बस डायरेक्ट x की वैल्यू आ गई है, 2 इधर इसमें x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 इधर शिफ्ट हो गए, माइनस 2 बन गया 0 माइनस 2, और 0 माइनस 2 से हमारे पास माइनस 2 ही आता है। तो अब हम वेरीफिकेशन करें, क्योंकि वही रेडिकल इक्वेशन है हमारे पास, वेरिफिकेशन हम करते हैं। सो पहले हम x इक्वल 0 इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो हमारे पास 1 इम्प्लाइज दिस में, ये देखें ओरिजिनल इक्वेशन में हमने पुटिंग किया तो ये आ गया 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 4 प्लस अंडर द रूट, और फिर प्लस एक्स 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 9 अंडर द रूट इक्वल 5 आ गया, 0 का स्क्वायर 0 आता है, ये मल्टीप्लाई करके 0 प्लस 4 आ गया, ये भी 0 ये भी 0 प्लस 9 अपनी जगह पर इक्वल 5 आ गया है। अब ये ऐड करके 4 आ जाए, ऐड करके 9 आ जाएगा, स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर अपने आ जाएंगे इक्वल 5 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 के इक्वल होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 के इक्वल होता है, 5 अपनी जगह पर आ जाएगा, 2 प्लस 3 5 आ जाएगा इक्वल 5, 5 इक्वल 5 ये ट्रू, मतलब x इक्वल 0 जो है वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारे पास ये सोल्यूशन सेट में आएगा, रियल रूट है इसलिए। अब दूसरा हम सेटस अच्छे वेरीफाई करते हैं x इक्वल माइनस 2 जो दूसरी वैल्यू तो वो वैल्यू थी हमारे पास, तो इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये सॉल्व करें तो हमारे पास माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, ये प्लस माइनस माइनस 2 टू ज़ा 4 माइनस 4 आ जाएगा, और प्लस 4 अपनी जगह पर, इसी तरह माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 आता है, माइनस 4 आ जाएगा इससे, प्लस 9 अपनी जगह पर इक्वल 5 अपनी जगह पर आ जाएगा, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल, ये प्लस 4 सिर्फ रह जाएगा इधर, इसमें भी प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल, प्लस 9 सिर्फ रह जाएगा इक्वल 5 आ जाएगा, ये देखिए सिर्फ 4 अंडर रूट यहाँ पर आ जाएगा, प्लस 9 अंडर रूट इक्वल 5 आगे, 4 का अंडर रूट 2, 3 का अंडर 9 का अंडर रूट 3 आता है इक्वल 5, 2 प्लस 3 5 इक्वल 5 अपनी जगह पर आ जाएगा, तो 5 इक्वल 5 ट्रू, मतलब दोनों वैल्यू x की दोनों वैल्यू जो है ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करिए, तो इसलिए ये दोनों इसके रियल रूट हैं, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट में दोनों आ जाएंगे, 0 भी और माइनस 2 भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ऑफ एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फाइंड x 2x प्लस 5 इफ x इक्वल इफ x सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। तो अब हमारे पास सोल्यूशन में हमने यही क्वेश्चन रिपीट किया है, इसको इक्वेशन 1 का नेम दिया है। अब इसको थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए हमने इस टर्म को राइट साइड पर हमने शिफ्ट किया है, तो इसका साइन माइनस है, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इस साइड इसका भी हमने स्क्वायर लिया, इसका भी स्क्वायर लिया, तो हमारे पास ये आ गया है, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये हमारे पास सारा ए टर्म है, ये बी टर्म है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, अब हमारे पास ये तो अपनी जगह पर आ जाएगा 4t माइनस 9x, ये ए होल स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 फार्मूले वाला, ए की जगह पर ये आ जाएगा पूरा टर्म, और बी की जगह पर हमारे पास ये आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास 4t माइनस 9x तो अपनी जगह पर आ जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो माइनस x रह जाएगा, इसमें ये स्क्वायर जो है 2 के ऊपर भी है, और इस स्क्वायर ये रेडिकल वाले टर्म के ऊपर भी है, तो इसके ऊपर भी है, तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो 7 माइनस एक्स आ जाएगा, और ये दोनों प्रोडक्ट में, तो इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखे हैं, और यहाँ पर ये 2 टू ज़ा 4 आ जाएगा, और ये भी रेडिकल में है, ये भी रेडिकल टर्म है और प्रोडक्ट में है, तो इसलिए हमारे पास प्रॉपर्टी है कि दोनों दो नंबर हो अलग अलग रेडिकल में हो और प्रोडक्ट में हो, तो हम दोनों को एक रेडिकल के अंदर लिख सकते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखें, तो इसलिए ये हमारे पास ये और ये दोनों हमने एक रेडिकल के अंदर इधर लिखे हैं। अच्छा, 4t माइनस 9x अपनी जगह पर आ गए हैं, माइनस x अपनी जगह पर, और 4 अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास प्लस 28 माइनस 4x आ गए हैं,
प्लस फोर अपनी जगह पर, ये माइनस एक्स अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स माइनस सेवन एक्स और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ये आ गया है 40 माइनस नाइन एक्स अपनी जगह पर इक्वल माइनस एक्स माइनस फोर एक्स, तो अरेंजमेंट किया है हमने माइनस प्लस 28 आ जाएगा प्लस 4 और वो ये भी थोड़ा सा अरेंज किया है, एक्स स्क्वायर को पहले लिखा है और माइनस सेवन एक्स को बाद में लिखा है अंडर द रूट। ठीक है, अच्छा 40 माइनस नाइन एक्स फिर उसी तरह अपनी जगह पर आ गया है और ये सेम साइन हो तो एडिशन और साइन वही लगता है, तो माइनस फाइव एक्स प्लस 28 आ जाएगा प्लस 4 इंटू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स आ जाएगा। ये दोनों टर्म जो हैं ये लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 40 तो ये प्लस 28 था तो ये माइनस 28 बन गए, ये माइनस नाइन एक्स अपनी जगह पर और ये प्लस 5x था तो ये इधर आके माइनस 5x था तो प्लस 5x बन जाएगा इक्वल 4 अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स अपनी जगह पर आ जाएगा। इनको ऐड करें माइनस करें, ऐड माइनस करें सब्ट्रैक्ट माइनस करें तो ये 12 आ जाएगा माइनस 4x आ जाएगी इक्वल अंडर द 4 अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स आ जाएगा। अब 4 इसमें 4 कामन ले सकते हैं तो 4 हमने कामन लिया तो ये 3 माइनस एक्स बन जाएगा, 4 को डिवाइड करेंगे दोनों साइड पर तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड पर, तो यहाँ पर 3 माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ पर अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स आ जाएगा, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab के इक्वल होता है तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला a की जहाँ पर 3b की जहाँ पर x आ जाएगा इक्वल यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आता है एक्स स्क्वायर और ये माइनस 2 3 जा 6x आ जाएगा इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स। इसको x इक्वेशन के एक साइड पर शिफ्ट करते हैं, इन दोनों को इधर शिफ्ट किया है लेफ्ट साइड पर तो हमारे पास इनके साइन चेंज हो जाए, 9 अपनी जगह पर प्लस एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर माइनस ये देखिए माइनस ये प्लस एक्स स्क्वायर था तो ये माइनस एक्स स्क्वायर बन गए, ये माइनस 6 अपनी जगह पर आ गए और ये माइनस 7x था तो ये प्लस 7x बन गए इक्वल 0, यहाँ पर 0 रह गए। अब यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, 9 अपनी जगह पर आ गए, माइनस 7x प्लस 7x से सिर्फ x आ गए इक्वल 0, हमें x की वैल्यू चाहिए तो 9 इधर शिफ्ट करके माइनस 9 बन गया x इक्वल माइनस 9, हमारे पास ये एक ही रूट आ गया है x। अब इसको वेरीफाई करते हैं कि ये ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं, तो पुट x इक्वल टू माइनस 9 इन इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट ये हमारे पास आ गया है 40 अपनी जगह पर माइनस माइनस प्लस 9 9 81 आ गया है, माइनस 2 अंडर द रूट 7 अपनी जगह पर माइनस माइनस प्लस 9 आ गया है इक्वल अंडर द रूट माइनस वो क्वेश्चन में अपना गिवन था और माइनस माइनस ये माइनस 9 हमने x वैल्यू लगाई है माइनस माइनस 9 माइनस माइनस प्लस तो प्लस 9 बन गए, ये ऐड करें तो ये आ गया हमारे पास 121, ये 16 आ गया 2 माइनस 2 अपनी जगह पर इक्वल अंडर रूट 9 अपनी जगह पर। अब अंडर रूट 121 जो है वो 11 के इक्वल होता है और अंडर रूट 16 जो है वो 4 के इक्वल होता है और अंडर रूट 9 जो है वो 3 के इक्वल होता है, तो हमारे पास ये आ गए 11 माइनस 2 अपनी जगह पर और वो अंडर रूट 16 4 आ गए हमारे पास इक्वल 3 आ गए अंडर रूट 9 से 3 आ गए। अब ये 11 अपनी जगह पर माइनस 2 4 जाए 8 और इक्वल 3, 11 से माइनस 8 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा 3 इक्वल टू 3 ट्रू सेटिस्फाई कर रहे से, सो x इक्वल माइनस 9 सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, क्वेश्चन में बताया था अगर x की वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है तो फिर हमने इसके लिए फाइंड करना है 2x प्लस 5 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं 2 अपनी जगह पर और x की जगह पर हमने माइनस 9 पुट करना है किया है प्लस 5 अपनी जगह पर आ गए, ये मल्टीप्लाई करें माइनस 18 प्लस 5 आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करें तो माइनस 13, ये 2x प्लस 5 की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 13 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ 2x प्लस 5। थैंक यू।